आज के हमारे शाम के समय भजन का खूबसूरत सा ये प्रस्तुति देंगे और एक गजल का प्रस्तुति देंगे। उसके बाद मैं चाहूंगी हमारी झोड़ा की जो दोनों टीमें अभी बची हुई है, कल्याणपुर वसुंधरापुरम से और श्रीमती सुशीला नेगी के नेतृत्व में, और कल्याणपुर की दूसरी टीम श्रीमती हेमा बिष्ट के नेतृत्व में, आप लोग कृपया स्टेज के बैक साइड में आके रही हूँ। इस सबके लिए मैं हृदय तल से आप सबकी आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों की शुभकामनाएं आप सब लोगों का आशीर्वाद ही होता है जो किसी भी कलाकार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूरी सहायता करता है। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि हमारी बहन पूनम करवाल जी ने कहा, बॉलीवुड गीतों से सजाने की बात हुई, लेकिन आज मैं कुछ खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप सब लोगों को हीरक जयंती वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत चाहती हूँ। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक ऐसे गीत से करना चाहती हूँ जो अपने आप में गीत होते हुए भी गीत नहीं है, क्योंकि ये वो अजर अमर रचना है जिसने हमारी लता दीदी को एक नया आयाम दिया था। इस गीत को विश्व में एक पहचान दी है। इस गीत के माध्यम से हमारी सेना को, हमारे सैनिकों को एक नया संबल मिलता है। और मेरे लिए ये गीत इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 23 जनवरी को मुंबई महाराष्ट्र में मुझे लता दीदी स्मृति सम्मान दिया गया, सिर्फ इस गीत की वजह से। वहां पर ये सम्मान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, हम सबके परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों मुझे दिया गया, जो मेरे लिए वाकई ऐतिहासिक घटना, एक ऐसा क्षण बन गया जिसे मैं जिंदगी भर भूलना नहीं चाहती। उत्तराखंड महोत्सव में आज इस गीत से ही शुरुआत करूंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, हमारे सैनिकों को समर्पित करते हुए महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को सम्मान देते हुए इस मंच से आज इस गीत से शुरुआत करूंगी। You should be.
एक बार फिर से मंच को नमन करते हैं। अभिजीत श्रीवास्तव हमारे सुपुत्र।